भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भाजपा का सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो रहा है। भारतीय जनसंघ से अब तक हमने देश में कई नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश की है। आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। ये दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा है, अनेकों पीढ़ियां खप गई है। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे, ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। मैं जब राजनीति में नहीं था, उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे। और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। और कुछ लोग हमेशा हमारी मजाक उड़ाते रहे हैं, कुछ लोगों का चरित्र ही ऐसा होता है और उनको लगता है कि ऐसा करने से वो बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसी सब प्रकार की आलोचनाओं को झेलते हुए जन सामान्य के कल्याण के लिए समर्पित होकर के नेशन फर्स्ट की भावना को जीते हुए हम चलते ही रहे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। एक समय था जब जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान, और आज भी कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उसी जीवन को जीते हैं और अपने आदर्शों के लिए जूझते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा जाता था, चाहे वो जनसंघ का कार्यकर्ता हो या भाजपा का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। राष्ट्र सर्वप्रथम।